यस येलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में सबसे पहले आज हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल से अपन चलेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक साइंस जो स्टडी करते हैं, ठीक, तो उसी को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअली मीन क्या है और थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप क्या हो सकता है, देन लिमिटेशंस क्या होंगी, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट, तो फर्स्ट लेक्चर में अपन इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन। तो समझते हैं ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चों ये वर्ड है थर्मो। थर्मो का मतलब आपको पता है, इट इज टोटली रिलेटेड टू हीट, या फिर मैं बोल सकता हूँ बच्चों समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, हीट टेम्परेचर, और ये दोनों जो वर्ड है वो बच्चों एनर्जी को रिलेट करते हैं। ठीक है, बिकॉज एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। अब हीट एनर्जी या फिर टेम्परेचर, थर्मो का बेसिक मतलब क्या है? थर्मो का बेसिक मतलब आपका हीट या फिर आपका टेम्परेचर। डायनेमिक्स जो वर्ड आता है, डायनेमिक्स का मतलब पता है आपको मूवमेंट। ठीक है, डायनेमिक्स का मतलब क्या है? मूवमेंट। तो किसका मूवमेंट? हीट का मूवमेंट, है ना, या हीट एनर्जी का मूवमेंट, या बच्चों बोल सकते हैं अपन टेम्परेचर। ठीक है, हाई टू लोअर। एक आपको पता है कि जो हीट है उसका जो मूवमेंट, हीट एनर्जी की जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होता है बेटा? वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं बिल्कुल घरों के अंदर। जैसे सपोज मान लो एक कैंडल है, ठीक है, समझा ध्यान से, इस कैंडल ये बच्चों बर्न कर रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके सामने एक अपन आयरन की स्ट्रिप लेके आते हैं। ठीक है, बहुत ही पतली सी स्ट्रिप होती है, थिन स्ट्रिप। और आपको पता है कि आयरन के जो आपके एटम्स हैं, आयरन तो आपका मेटल है तो मेटल बॉन्डिंग को शो करेगा, तो यहाँ पे इसके जो एटम्स हैं बच्चों वो क्या होते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, हम लोगों ने मेटलिक बॉन्डिंग में बात करी। तो जो सबसे क्लोज एटम होगा इस फ्लेम के, ये जो फ्लेम आपको दिख रही है, इसमें भी दो फ्लेम होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रेडिएशन फ्लेम। ठीक है, अच्छा, तो जो फ्लेम के, जो इस फ्लेम के सबसे क्लोज जो एटम आयरन का होगा उसको हीट एनर्जी फटाक से मिलेगी बेटा। ठीक है, देन उसके बाद हीट यहाँ से टेम्परेचर जिसको मिलेगा, देन आपको पता है कि यहाँ पे जो एटम्स क्लोज होंगे इस फ्लेम के, वहां पे क्या होगा? हाई टेम्परेचर। और ये जो आपका जहाँ पे ये डिस्टेंस अगर बढ़ती जाएगी, तो ये जो टर्मिनल होगा आपका लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल। ठीक है, ये आपका लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल है, तो इसका जो आपका टेम्परेचर होगा दैट इज लो टेम्परेचर। तो जो हीट का फ्लो होगा वो कहाँ से होगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो हीट का मूवमेंट होना है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट है कि हीट जो है उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, कि थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक यूज है, ठीक है, हमारे रियल लाइफ के अंदर वो कौन कौन सी जगह है। तो हम एक बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल दें कि बच्चों जो मैच बॉक्स होता है, ठीक है, जो माचिस की तीली होती है, तो माचिस की तीली का जो वर्निंग, ठीक है, माचिस की तीली का जो वर्निंग है वो भी थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस है, अपन इसको डिफाइन करेंगे भी बाद में, पहले एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करता है। या फिर जितने भी आपके पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे कोल की बर्निंग होती है, ठीक है, अब कोल की बर्निंग होती है तो फिर उसके बाद वहां से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी जनरेट होती है। ठीक, तो जो बर्निंग प्रोसेस वहां भी हो रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस वहां भी फॉलो किया जाता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ लाइटनिंग, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे आसपास होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड नेक्स्ट इज थर्ड। जैसे बोल सकता हूँ लाइटनिंग, ठीक है, तो भाई जब बारिश का टाइम होता है तो वहां पे जब लाइटनिंग होती है तो वो भी किसका एप्लीकेशन पार्ट होगा? थर्मोडायनेमिक्स का भी होगा। ठीक है, बिकॉज हीट का मूवमेंट है ना, हीट एनर्जी का ट्रांसफर। या फिर अपन बोलते हैं कि जो आपकी एसी, ठीक है, जो एयर कंडीशनिंग होती है, तो उनके बाहर जो एग्जॉस्ट फैन रहता है ना, तो वो भी क्या करता है भाई? अंदर की जो हीट है उसको क्या करता है? बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, तो वो भी आपका क्या, इसका एप्लीकेशन है, थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है। या फिर सिंपल से अपन बोलते हैं कि भाई टी या फिर आपकी जो कॉफी है, ठीक है, उसको हीट सप्लाई की जा रही है, देन वो आपका हीट सप्लाई करने के बाद उसमें कुछ चेंज आ रहा है, कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है जो हमारे लिए यूजफुल है, तो वहां भी कौन सा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा? आपको थर्मोडायनेमिक्स का देखने को मिलेगा। थर्मो का मतलब टेम्परेचर या एनर्जी, हीट एनर्जी, डायनेमिक्स का मतलब मोशन। तो
जहां जहां पे हीट एनर्जी का मूवमेंट होगा, मोशन होगा हमारे आसपास, वो सारे के सारे एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल अभी आपको जस्ट बताया, जैसे आपको कोई भी बर्निंग, मैच बॉक्स का मैंने माचिस की तीली का जलना बोला, कोल की बर्निंग के बारे में अपन ने बात किया, या फिर जो लाइटनिंग होती है ठीक है बारिश के टाइम उसकी बात कर लेते हैं, या फिर अपन बात कर लेते हैं कि जो आपके एसी है ठीक है, तो वहां से जो आपकी हीट है वो रिलीज होती है एग्जॉस्ट फैन के थ्रू ठीक है। इसको बहुत और भी एग्जाम्पल, जैसे आपका रॉकेट ठीक है, जैसे हम रॉकेट लॉन्चिंग की बात करते हैं ठीक है, तो रॉकेट लॉन्चिंग में जो अपन फ्यूल को सप्लाई करते हैं, रॉकेट में जो फ्यूल देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले 5 लीटर फ्यूल दिया चेक करके देखें कहाँ तक जाएगा, ऐसा तो ये फिर 10 लीटर देखेंगे नहीं, उसमें एक फिक्स अमाउंट में अपन फ्यूल जब फ्यूल उसमें फिक्स करेंगे, देन उसके बाद उसका जो वेट है रॉकेट का है, उस रॉकेट को वेट को उठाने के लिए कितना अपथ्रस्ट जनरेट होना चाहिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग ठीक है, जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, तो जितना अपथ्रस्ट जनरेट होना चाहिए उतना उसमें फ्यूल हम लोग अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे क्या करेंगे फिलअप करेंगे, देन उसके बाद वहां से वो रॉकेट आपका लॉन्च हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट बेसिकली बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और मैं एग्जांपल बोलूँ तो जैसे बच्चों आपकी कार है, बाइक है ठीक है, इसके अपन अगर बात कर लेते हैं तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ठीक है। जैसे बाइक हो गया, कार हो गया ठीक है, इसको भी हम थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट समझ सकते हैं। कैसे कि जैसे बाइक और कार में बेसिक पार्ट क्या होता है कि जो इंजन है ठीक है, उस इंजन के अंदर क्या किया गया कि जो फ्यूल है जैसे आपका पेट्रोल है ठीक है, या फिर अपन बात करते हैं यहाँ से जैसे आपका डीजल है ठीक है, तो हम क्या करते हैं जो गैसोलीन फेज जो भी है उसको अपन इंजन में सप्लाई करते हैं। अब जब सप्लाई करते हैं तो वहां से उसकी बर्निंग होती है ठीक है, अब उस बर्निंग के बाद यहाँ पे क्या होती है आपकी गैसेस प्रोड्यूस होती है ठीक है। अब जो गैसेस होती है वो क्या करती है, इंजन का जो इंटरनल जो पिस्टन सिस्टम होता है ठीक है, वहां पे जाके अब गैसेस हो तो बेटा यहाँ से प्रेशर जनरेट होगा, फोर्स पॉइंट एरिया गैसेस बहुत सारी बनने वाली है, तो वो गैस क्या करेगी यहाँ पे प्रेशर जनरेट करेगी उस पिस्टन पे, तो पिस्टन विल एक्सपांड और पिस्टन एक्सपांड करेगा, देन वो एनर्जी की फॉर्म एक्वायर कर चुका है। अब वही एनर्जी की फॉर्म क्या होती है कि आपकी जो व्हीकल है, आपकी जो कार है या जो बाइक है वो आपकी क्या होती है मूव कर सकती है। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग वैसे बेसिक यहाँ पे कि भाई इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे स्टडी क्या कर रहे हैं, इट्स द स्टडी स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इंट्रैक्शन, एनर्जी एंड इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विद मैटर। तो मैं सिंपल सा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी का है ठीक है, इसलिए इसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ से। ये स्टेटमेंट बहुत ही इजी है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स की हम क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या स्टडी करेंगे, तो इट इज द स्टडी ऑफ किसके बारे में, एनर्जी के बारे में हमें स्टडी करना है, एंड इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विद मैटर, मैटर मतलब मास ठीक है, मैटर मतलब मास ऑब्जेक्ट ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ जो एनर्जी का मूवमेंट है, जो इंट्रैक्शन है, जो फ्लो है ठीक है, जो इंटर कन्वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में, बेसिकली हम लोग हीट एनर्जी पे ही फोकस करेंगे, लेकिन बाकी भी एनर्जी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको थर्मो केमिस्ट्री के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सिर्फ देखेंगे कि हीट किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, कौन कौन से वर्क को परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से वो डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज की जाएगी, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिक पार्ट आपका ये है ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट अलग तरीके से बात करेंगे ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों अपन एवी कॉन्सेप्ट ठीक है, तो एक एवी कॉन्सेप्ट भी लिखते हैं ठीक है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है। देखेंगे इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे डील्स विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन इन फिजिकल और केमिकल चेंज। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग फीजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस
फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस और रिएक्शन रिएक्शन अंडर गिवन कंडीशन। इसको अपन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान देते हैं। मैं ये एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान दो। इसमें हम क्या थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में स्टडी करेंगे, डील्स करेंगे किसके साथ, हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हीट एनर्जी होगा, ठीक है, एंड देयर इंटरकन्वर्जेंस इन फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ठीक है, जो भी फिजिकल रिएक्शंस होगी, केमिकल रिएक्शंस जो हमारे आसपास हो रही है उनके साथ उनका इंटरकन्वर्जन, ठीक है, एनर्जीज का, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस और रिएक्शंस अंडर गिवन कंडीशन। और जो भी कंडीशंस दी जाएंगी उन गिवन कंडीशंस में कि आपका जो केमिकल रिएक्शन किस तरीके से आपका फीजिबल हो रहा है, और फीजिबल नहीं हो रहा है तो फिर क्या कंडीशंस आपकी वहाँ पे चेंज होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कशन, क्लियर। अब बात करते हैं इसके बाद, ये तो हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्कोप के बारे में, नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्टिंग में आपका थ्योरी सेक्शन है इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, आपको पूरा समझ में आएगा। स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्कोप में लेते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट द फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, प्रिडिक्ट द फीजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी जो फीजिबिलिटी है उसको अपन डिसाइड कर सकते हैं। फीजिबिलिटी का रिएक्शन कंप्लीट होना, कितनी कंप्लीट हो रही है, कितनी कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो पहले तो हम फीजिबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो भी अपन यहाँ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करेंगे जो आपके लिए सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और बनते हैं। कैसे फीजिबिलिटी डिफाइन करेंगे, रिएक्शन कोई कंप्लीटली प्रोसीड होगी, कितनी प्रोसीड होगी, कितना परसेंटेज फिनिश होगा, ये टोटली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से विद द हीट एनर्जी हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं, एग्जोथर्मिक इंडोथर्मिक अलग तरीके से, ठीक है। सेकंड अपन बात करेंगे कि भाई कर सकते हैं कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज इफ द रिएक्शन डज टेक प्लेस, टेक प्लेस। इसमें बेसिक पॉइंट ये है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है, कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीट नहीं भी हुई है, तो उसके अंदर जो एनर्जी चेंज है, देखो पहला हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या कर सकते हैं, हम फीजिबिलिटी रिएक्शन कितना प्रोसीड हुआ है उसके बारे में बताएंगे। दूसरा हम लोग कि जो भी केमिकल रिएक्शन आपकी प्रोसीड हुई है या फिर प्रोसीड नहीं भी हुई है, तो उसमें जो एनर्जी का चेंज हुआ है, ठीक है, रिएक्शन जब इनिशियल स्टेट में थी, रिएक्शन जब प्रोसीड स्टार्ट होने वाली थी तो उसमें उसकी एनर्जी कितनी थी, देन रिएक्शन जब कंप्लीट हो चुकी है या जितनी भी रिएक्शन कंप्लीट आफ्टर टी टाइम बाद जितनी भी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इवन एट इक्विलिब्रियम भी, ठीक है, रिएक्शन कितनी प्रोसीड हो चुकी है, तो वहां पे जो एनर्जी का चेंज होगा उसमें कितना एनर्जी चेंज हुआ है, ठीक है, कितना उसमें फाइनल एनर्जी बचा है, कितना एनर्जी उसने रिलीज किया है, एनर्जी यूज किया है, कितना रिलीज किया है, वो सारे का सारा टर्म हम लोग निकालेंगे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आपका ये हो गया। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, थर्ड पॉइंट हम लोग करेंगे कैलकुलेट एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है परसेंटेज, कैलकुलेट एक्सटेंट टू विच ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। तो एक्सटेंट का मतलब है यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने परसेंटेज आपकी फिनिश हुई है ना, कितना 100% फिनिश हुई है ना, वही टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 100% फिनिश हो गई, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी लंबे समय तक रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन आपकी फिनिश हो गई है, ठीक है, तो मैं जनरली ऐसे बोल रहा हूँ। तो एक्सटेंट का मतलब है परसेंटेज का, भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन कितनी आपकी फिनिश हुई है, कितना परसेंटेज आपका कवर हुआ है, ठीक है, कितना आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, वो सारी की सारी बातें हम लोग यहीं से डिफाइन करें, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ से लिमिटेशन, नेक्स्ट पर डिस्कशन करेंगे दैट इज द लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं इस चैप्टर के, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पे अप्लाई हो। देखो लिमिटेशंस का बेसिक मतलब ये होता है कि इसका अपन यूज कहाँ कर सकते हैं और हमारे सिलेबस के अंदर इसका यूज कहाँ देखने को मिलता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिमिटेशंस में आएगा ये आपका जो थर्मोडायनेमिक्स जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो चैप्टर्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा, इट इज एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल।
या बोल सकते हैं अपन सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मतलब क्या है भाई, मैक्रोस्कोपिक तो छोटा होता है, बहुत ही माइन्यूट। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो आपके विगर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफाइन नहीं होगा, थर्मोडायनेमिक्स प्रोटॉन्स के लिए डिफाइन नहीं होगा, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम जो पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अंदर, जो जेईई मेंस नीट में क्वेश्चन आते हैं, वो आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इन सबके ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना इस यहाँ पे, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे वो सारे के सारे बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर या बड़े जो सिस्टम है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड नॉट टू माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पे आपको यहाँ पे इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं, उनको अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ कहाँ करेंगे, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पे, ये बात ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट इसके हम लिमिटेशन की बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट इज कैन नॉट प्रिडिक्ट द स्पीड, कैन नॉट प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन और टाइम रिएक्शन और टाइम टेकिंग टू रीच इक्विलिब्रियम, रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको अपन ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। देखो तो इस पॉइंट पे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कैन नॉट प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन में जैसे मैं सिंपल से बोलूँ कि भाई ए प्लस बी कंबाइन हुआ, यहाँ से सी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि टी इज इक्वल टू जीरो पे, मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ही था, इसके मोल सपोज बी थे, मोल से मान लो कॉन्सेंट्रेशन जो भी मानना है, ये आपका जीरो होगा प्रोडक्ट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई टी इक्विलिब्रियम पे इसमें से कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा, इसमें से कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा, मान लो इसमें से एक्स पार्ट डिसोसिएट हुआ है आपके ए और बी में से, तो यहाँ पे एक्स पार्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन टी इक्विलिब्रियम के बाद आप रिएक्शन को नेक्स्ट प्रोसीड करोगे अगले टाइम की तरफ, तो वहां पे आपके ए और बी मान कर चलो जीरो जीरो फिनिश हो गए, जीरो जीरो का मतलब ये बचेगा ही नहीं, तो मैक्सिमम आपका क्या होगा, सी का प्रोडक्शन हो जाएगा, सी मैक्सिमम आपका फॉर्म हो जाएगा टी इन्फिनिटी पे। तो देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अप्लाई होंगे, माइक्रोस्कोपिक पे अप्लाई नहीं होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, स्पीड डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइम टेकिंग टू रीच इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट में बोल रहा हूँ, हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, कहीं भी ये पॉइंट डिफाइन नहीं किया हम लोगों ने कि कितना टाइम लगा उस केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए। और डेफिनेटली बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप जैसा पॉइंट है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन जब टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुई है और टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम तक पहुंची है, तो उसके बीच में कितना टाइम उसने लिया है, उस टाइम को अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम अप्रोक्स डाटा ले सकते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे हायर लेवल पे जब आप फाइनल आप रिसर्च के लिए जाओगे या बाकी और चीज़ों के लिए जाओगे, लेकिन अभी हम जो हम ट्वेल्थ लेवल तक की बात करें या हम जेईई नीट की बात करें, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बिल्कुल भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का कितना टाइम उसने लिया है टी इक्वल टू जीरो से इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, ठीक है, या फिर कितना उसने स्पीड रिएक्शन की रही है, वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये बात आपको बताएंगे, दिस इज कंप्लीट लिमिटेशंस। तो दो लिमिटेशंस हैं जो आपके थर्मोडायनेमिक्स के यहाँ पे आपको ध्यान रखनी, लोगों को समझ में आ गया। चलो एक छोटा सा हम एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, समझ में आएगा। इसे मान कर चलो बच्चों, यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक बीकर लिया, उस या कॉन्कल फ्लास्क लिया, उस बीकर के अंदर हम लोगों ने हीट सप्लाई करी, ठीक है, यहाँ से अपन ने हीट को सप्लाई किया और इस बीकर में अपन ने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में इसको ले लिया। अब मान कर चलो मैंने जो हीट यहाँ से सप्लाई करी उसकी वैल्यू थी 100 जूल, ध्यान देना 100 यूनिट मैंने सपोज यहाँ पे एनर्जी को सप्लाई किया, 100 जूल मान लो मैंने सप्लाई किया, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसकी एनर्जी भाई वाटर मॉलिक्यूल्स की भी कुछ एनर्जी होगी। अब ये ई एनर्जी आपकी जो है ये आपकी वाटर मॉलिक्यूल्स के पास पहले ही सी थी, आपने जो यहाँ पे 100 जूल एनर्जी को सप्लाई किया, तो रिजल्टेंट इसकी एनर्जी भाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कोई भी लॉसेस नहीं होगा, इट इज आइडियल कंडीशन, ठीक है, उसकी हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे E जो एनर्जी आपके पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स की थी प्लस 100 आपने सप्लाई करी, तो ये हो जाएगा E प्लस 100 जूल, ठीक है, E प्लस 100 आपकी टोटल होगी।
बिल्कुल, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जो लॉसेस है ना एनर्जी का, वो नहीं हो रहा, हम उसमें बात कर रहे हैं। जैसे अब मैं सपोज बोलूँ कि चलो सेकेंड स्टेट, मान लो इसकी एनर्जी आपकी 100 थी वाटर मॉलिक्यूल्स, आपने इसको सप्लाई किया 500 जूल, तो वो डायरेक्ट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 700 यूनिट्स के अंदर, 700 जूल्स में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो बेसिक पार्ट तो यही है कि भाई ए प्लस बी को कंबाइन किया, यहाँ से आपके सी का फॉर्मेशन, जिसमें आपका यहाँ से सपोज हाइड्रोजन गैस ली हम लोगों ने, यहाँ से ऑक्सीजन गैस यूज करी, और यहाँ से रिएक्शन करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं है, यहाँ पे जो भी हम एनर्जी देंगे उस एनर्जी को हम लोग प्रोडक्ट के साइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये बिल्कुल समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स, जो आपका ये जो चैप्टर है, यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको हम प्रोसीड कैसे करते हैं, तो कहेंगे हाउ टू प्रोसीड। हम इसको किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स कुछ एप्लीकेशन, कुछ पार्ट होंगे, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यस, तो इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, या फिर आपके जो एप्लीकेशंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो किस तरीके से आपके प्रोसीड होंगे। तो इसके बेसिक पार्ट को समझने के लिए, बेसिक पार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, तो बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी कर। व्हाट इज सिस्टम? तो सिस्टम का देखो बेसिक मतलब ये है, मैं यहाँ पे पहले डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। तो देखो सिस्टम बेसिकली क्या है, कि हम यूनिवर्स में रह रहे हैं, कोई भी चीज पता है कि यूनिवर्स का एक पार्ट। ठीक, अब इस यूनिवर्स के पार्ट के अंदर ना क्वेश्चन इज दिस, कि हम किस चीज को, जो भी हमें दिख रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, उसमें से हम किसको सिस्टम बोल सकते हैं। तो सिस्टम का बेसिक मतलब ये है कि यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन जिसको आप देख पा रहे हो, ठीक है, जिसको आप देख रहे हो, जिसके ऊपर आपको स्टडी करनी है, जिसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है। मैं बेसिक वर्ड यूज करता हूँ एनालिसिस। कोई भी चीज, जैसे मैं हूं या आप हो या व्हाटएवर, कोई भी चीज, एनीथिंग, जो भी आपके आसपास दिख रही है, ठीक है, जिसके बारे में आपको स्टडी करनी है, ठीक है, वो सारे के सारे पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिस्टम। तो सिस्टम इज नथिंग, सिस्टम वो पार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग, हम जिस पार्ट के ऊपर हमें उसकी हीट, उसकी एनर्जी, उसका जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इंटरकन्वर्जन है, ठीक है, तो जिस सिस्टम को हम देख पा रहे हैं उसी सिस्टम को हमें उसके ऊपर अगर स्टडी करनी है, जैसे मान के चलो ये पेन है, इस पेन के ऊपर मुझे स्टडी करनी है थर्मोडायनेमिकली, कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करना है, तो दिस पेन इज ए सिस्टम। ठीक है, फॉर मी, या आपके लिए भी मैं बोलूँ कि सपोज चलो मान लेता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपका ट्री, पेड़ मान सकते हैं ट्री, तो ट्री इज ऑल्सो ए सिस्टम, तो उस पर हमें स्टडी करनी है। तो जो भी चीज ऑब्जर्वेशन होगी, इट मे बी लिविंग, इट मे बी नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो लिविंग या, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बड़े सिस्टम, बड़े पार्टिकल्स को लेके हम लोग स्टडी करते हैं। पहली बात आपको ध्यान ये रखनी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम, मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम तो आप इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लो, प्रोटॉन्स को पकड़ लो, नहीं नहीं बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स अभी आने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो बिल्कुल भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, वहाँ पे कोई भी रिजल्ट आपका निकल के नहीं आता है। तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ वो लिमिटेशंस आपकी पहली थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, तो जो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी ऑब्जेक्ट, इसमें भी लिविंग, नॉन लिविंग, उसको अपन बोलते हैं सिस्टम। बिल्कुल क्लियर। सेकंड अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ सराउंडिंग्स। सेकंड आपका जो टर्म्स यहाँ पे आएगा, दैट इज दी सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स क्या होती है? तो सराउंडिंग्स का बेसिक मतलब तो पता ही है आपको कि भाई यूनिवर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें, क्या क्या आपका प्रेजेंट है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, आपको सही ढंग से समझ में आएगा। यस, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। तो सिस्टम क्या था? सिस्टम का मतलब वो था कि जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें कुछ स्टडी करनी है, जिसके ऊपर मुझे कुछ एनालिसिस करना है, उसको छोड़ दो,
उसको छोड़ने के बाद बाकी जो बची हुई चीज है वो सबकी सब क्या होगी, आपकी सराउंडिंग। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, सपोज मान कर चलो मैं बैठा हूँ, ठीक है, अगर किसी को मेरे ऊपर स्टडी करनी है तो मैं तो सिस्टम हुआ, लेकिन हमारे आसपास जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारी के सारी सराउंडिंग्स बोली जाएगी। ठीक, जैसे बोलूं मैं चलो ये पेन आपको दिख रहा है, तो ये बेसिकली पेन क्या है, ये आपके लिए सिस्टम है, बिकॉज मुझे इसके ऊपर स्टडी करनी है, इट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। बट उसके आसपास जो भी आपको दिख रहा है, लाइक मैं दिख रहा हूँ, मेरे अलावा बहुत सारा आपका इस रूम के अंदर लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो सारी के सारी आपके सराउंडिंग्स में काउंट की जाएगी। तो सराउंडिंग क्या है, आप सिस्टम को छोड़ दो, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है यूनिवर्स का, उसको अपन सराउंडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो कंप्लीट यूनिवर्स है, वो किससे मिलके बना है, दो चीजों से। एक तो आपका यहाँ पे आएगा सिस्टम, और सेकेंड पार्ट होगा आपका सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को अगर आप मिक्स कर देते हो तो वहां से आपको यूनिवर्स के बारे में बात समझ में आएगी। थोड़े सिस्टम, तो सिस्टम क्या है कि जिसके ऊपर मुझे स्टडी करनी है अंडर ऑब्जर्वेशन, इसको छोड़ के, सिस्टम को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ पार्ट सराउंडिंग, दोनों को मिला देंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग, सेकंड पॉइंट इज कंप्लीट, बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज द बाउंड्री। इस बाउंड्री को समझते हैं हम ध्यान से, व्हाट इज बाउंड्री एक्चुअली। तो बाउंड्री का हम लोग ना एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, इस तरीके से इस बीकर के अंदर हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल्स को फिल किया। आप ध्यान से समझना, ठीक है, एक बीकर था, इस बीकर में हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल्स को फिल कर दिया। अब वाटर मॉलिक्यूल्स को फिल किया तो मुझे यहीं से बताना है बाउंड्री के बारे में। ठीक, तो देखो ये जो अंदर की लेयर है, दिस इज द लिक्विड, ठीक है, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, येलोइश पार्ट, ये आपका जो येलोइश पार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका पूरी तरीके से बीकर है। और बीकर की जो आपकी वॉल होती है, ऑब्वियसली आपकी रिजिड होती है, ठीक है, ये कैसी होती है आपकी रिजिड, तो ये आपका पार्ट कैसा है, रिजिड। बट जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कैसा होता है, नॉन रिजिड, उसकी जो लेयर्स होंगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझो कि यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज में एक तो यहाँ पे कौन, कितनी आपको बाउंड्रीज मिल रही है, जरा बताओ यहाँ पर कितनी आपको बाउंड्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। बाउंड्रीज का बेसिक मतलब क्या होता है, सेपरेशन। मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि एनीथिंग दैट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करने वाला, जैसे मैं सिस्टम था, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मैं सिस्टम, अगर मैं अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ, बाकी बचा हुआ जो भी आसपास मेरे आसपास दिख रहा है, वो सारा का सारा क्या होगा, ये भी न्यू लिविंग नॉन लिविंग, वो सारा का सारा सराउंडिंग्स होगा, ठीक। तो मैं सिस्टम हूँ तो मुझे और ये जो आपका सराउंडिंग्स है, उन दोनों को अलग करने वाले बीच में एक लेयर, जैसे मैं अगर बोलूँ तो स्किन, भाई बेसिक पार्ट इज द स्किन, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि जो आपकी एनिमल सेल्स हैं, जो आपकी ह्यूमन सेल्स हैं, जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, तो उनके अपने एक सेल्स हैं। अब सेल से आपको पता है कि यहाँ पे डिफरेंट आपके सिस्टम जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो स्किन है, वो स्किन क्या कर रही है, मुझे, मतलब मैं सिस्टम और उसके बाहर का जो पार्ट है, जो भी सराउंडिंग्स है, उसको सेपरेट आउट कर रही है, उसको अलग अलग कर रही है, ठीक है, वही आपकी बाउंड्री है। तो बाउंड्रीज नथिंग, बाउंड्री करती है सिस्टम और सराउंडिंग को बिल्कुल सेपरेट आउट करती है, अलग अलग कर देती है, ठीक है। अच्छा, इसको अपन थोड़े अलग तरीके से समझते हैं कि द सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सिस्टम सराउंडिंग को अलग करता है, उसको बोलते हैं अपन लोग यहाँ पे बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्रीज नथिंग, बाउंड्री कैसा है आपका, कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती है, उसको अपन बोलते हैं बाउंड्री। अब यहाँ पे बाउंड्री कौन कौन सी मिली थी स्पीकर के अंदर, तो देखो ये कौन सा होगा, रिजिड, बिकॉज वाटर तो अंदर फिल है ना। अब वाटर तो आपका अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो दिस इज सिस्टम, और इसके बाहर वाला जो भी सेक्शन आपको दिखेगा, ये कंप्लीट सेक्शन क्या यहाँ पे होगा, वो हो जाएगा आपका सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर, भाई वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंडिंग से अलग करने वाला कौन है, वो तो बाहर आपकी एयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, या बाकी कोई भी एटमोसफेयर आपका प्रेजेंट होगा, उसको अलग करने वाली जो बीच में आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली ये आपका क्या है, ये हार्ड लेयर है, ये बीकर। तो बीकर की जो लेयर दिख रही है, यही आपकी क्या होगी, बाउंड्री होगी, बिकॉज बीकर की लेयर ही उस पानी को बाहर की जो एयर उससे अलग कर पा रही है। जैसे ग्लास में पानी आपने ले लिया, ठीक है, उस ग्लास के अंदर जो पानी लिया है, उस टब के अंदर जो पानी लिया है, उस पानी को, उसकी स्टेट अलग है, बाहर आपको एयर दिख रही है या जो भी आपका एटमोसफियर है, तो उन दोनों को अलग करने वाला बीच में क्या है, वो हार्डेस्ट लेयर है, आपकी जो रिजिड लेयर है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। इसलिए बोल सकते हैं कि बाउंड्री आपकी एक यहाँ से आपको देखने को मिली इस बीकर के अंदर, एक तो आपकी रिजिड बाउंड्री, ठीक है,
और नेक्स्ट आपको क्या मिल सकती है कि अगर ऊपर से आते हैं तो यहाँ से आपको एयर दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक पानी की बिल्कुल हल्की सी लेयर आपको दिख रही है, ठीक है, तो एक लेयर यहाँ भी आपको दिख रही है। अब वो लेयर कौन सी होगी, वो हो गई आपके यहाँ पे नॉन रिजिड, मतलब फ्लेक्सिबल लेयर बोल सकते हैं, दिस इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, बट वो फ्लेक्सिबल तो है बट आपको दिखती नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखती है, तो उसको अपन बोल सकते हैं इमेजिनरी, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग ढंग से आपको डिफाइन करता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यस, ध्यान देते हैं, तो हम बात कर रहे थे बाउंड्री के बारे में, ठीक है, तो बाउंड्री आपकी कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री में सबसे पहले आपको मिलेगी रियल और इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है, रियल और इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक। सेकेंड आपको मिल जाएगी यहाँ से रिजिड और नॉन रिजिड बाउंड्री, ठीक है, मतलब हार्ड हार्डेस्ट फॉर्म या आपकी फ्लेक्सिबल, नॉन रिजिड इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल ऑल्सो, ठीक है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। डिफेंस सिस्टम को लेके हम बात कर रहे हैं ओवरऑल। और थर्ड आपको मिल सकते हैं कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, ठीक है, तो बेसिकली आपके तीन टाइप की बाउंड्रीज हैं, तीनों टाइप की बाउंड्रीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे yes. तो इसी को हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं बाउंड्रीज को लेके, ठीक है। तो बाउंड्रीज में हम लोगों ने देखा था एक तो रिजिड, ठीक है, और सेकेंड देखी थी हम लोगों ने फ्लेक्सिबल, दैट इज नॉन रिजिड। तो रिजिड की अगर बात करते हैं तो रिजिड को अपन मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करते हैं, कि जहां पे जो चेंज इन वॉल्यूम है, जो डेल्टा वी है, अगर उसकी वैल्यू अगर आपकी जीरो हो जाती है, इट इज कॉल्ड रिजिड, ठीक है। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज दी थिक वॉल्ड वेसल्स, ठीक है, थिक वॉल्ड वेसल्स। सेकेंड अपन नॉन रिजिड की बात करें तो नॉन रिजिड को अपन बोल सकते हैं कि जहां पे आपका डेल्टा भी क्या हो, जीरो, बिकॉज मैंने पहले बोला कि इट इज ए फ्लेक्सिबल। इफ इट इज ए फ्लेक्सिबल तो वहां पे जो आपकी इनिशियल और फाइनल जो लेयर आपको दिख रही है, ठीक है, वो आपकी लगभग बराबर ही होगी, तो उसमें जो चेंज आएगा वो क्या, वो जीरो बोला जाएगा भाई, आपका यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वो नॉट इज इक्वल टू जीरो रहेगा। अब रिजिड में क्या है, रिजिड में आपको जो डेल भी है वो आपका रेगुलर रहती है, जिसकी वजह से इनिशियल फाइनल वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो जिसको अपन बोलते हैं थिक वॉल्ड जो वेसल्स होती है, वहां पे आपका चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो मतलब मैथमेटिकली मैं बोलूं तो आपका वो रिजिड, रिजिड बाउंड्री। नॉन रिजिड में क्या होगा, डेल भी जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो आपका नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल को ले सकते हैं बैलून, ठीक है, ठीक है। तो बैलून इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ नॉन रिजिड, ठीक है, जो आपके फ्लेक्सिबल है, और इसमें आपको पता है कि जो डेल बी की वैल्यू होगी वो आपकी रहती है नॉट इज इक्वल टू जीरो। बाकी नेक्स्ट मैंने डिस्कशन किया था कि भाई रियल एंड इमेजिनरी, तो रियल एंड इमेजिनरी तो आपको ऑलरेडी मैंने उस बॉर्डर को लेके मैंने डिफाइन कर ही दिया, ठीक है। तो रिजिड के लिए आपको डेल बी जीरो आपको ध्यान देना है, ठीक है, और नॉन रिजिड के लिए आपको डेल बी नॉट इज इक्वल टू जीरो आपको ध्यान देना है, ठीक। ये दोनों बातें यहाँ से क्लियर होगी। अब रियल एंड इमेजिनरी तो मैंने बताया था कि भाई पानी एक बीकर के अंदर आप वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब लिया गया है तो लेने के बाद उस बीकर में क्या हुआ, इस तरीके से लिया था हम लोगों ने कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स था, तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स में बाहर के लेयर आपको ये बीकर की दिख रही है, देखो रेड कलर से अपन ने बना दी, तो ये जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है दिस इज अ रियल, इसको अपन देख पा रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ रियल बाउंड्री, ओपन वेसल्स आपके, ठीक है, दिस इज दी ओपन वेसल्स, तो ये आपके रियल है जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये वाला पूरा सेक्शन, ठीक है, यहाँ से ये पूरा सेक्शन, दिस इज कम्प्लीट रियल। इमेजिनरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लिया था लिक्विड फेज में, तो ये जो सेक्शन आपका है दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। इमेजिनरी क्यों, क्योंकि बाहर की लेयर क्या होगी, बाहर का आपका एयर का होगा और ये आपका ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो एयर को वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड को अलग करने वाली कोई ना कोई तो लेयर होगी, ठीक है, तो वो लेयर आपको दिखती नहीं है, अब ऑब्वियसली नहीं दिखती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं यहाँ पे कोई ना कोई लेयर तो होगी जो इन दोनों को अलग अलग करेगी, दोनों सिस्टम को, ऊपर एयर सिस्टम में नीचे आपका वाटर लिक्विड सिस्टम, उसको अलग करने के लिए कोई ना कोई बाउंड्री है, इसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी भी क्लियर हो गया और आपका रिजिड एंड नॉन रिजिड भी क्लियर हो गया, ठीक। इसको तो हम बात करते हैं, ध्यान देते हैं, मैंने बोला कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, तो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग को थोड़ा समझते हैं, ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडियाबेटिक। अब ध्यान देना,
ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इसको एडियाबेटिक करके भी बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग लेयर की बात कर रहे थे, बाउंड्रीज की जो बात कर रहे थे, उसमें एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान देते हैं। द वॉल व्हिच डज नॉट अलाउ एनी हीट ट्रांसफर across it, जहां पे हम बोल सकते हैं कि जो जो चेंज है, जो हीट का चेंज है, ठीक है ना, वो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। तो हीट का चेंज आपको यहाँ पे फाइनली जीरो मिलेगा, जिसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि मेड ऑफ इंसुलेटिंग, नॉन कंडक्टिंग की बात करें, दिस इज ए पार्ट ऑफ नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री या नॉन कंडक्टिंग लेयर, तो जो कंडक्टर ऑब्वियसली नहीं है, उसी की बात कर रहे हैं। द वॉल व्हिच डज नॉट अलाउ एनी हीट, बिकॉज इट इज नॉन कंडक्टिव। आपने देखा ना थर्मल फ्लास्क के अंदर जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहां भी कंडक्टिविटी नहीं होती, बिकॉज बीच में वैक्यूम होता है दो लेयर्स के बीच में, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर की जो हीट है, जो एनर्जी, वो बाहर ट्रांसफर नहीं होती, या बाहर की एनर्जी अंदर ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो एडियाबेटिक के अंदर हम नॉन कंडक्टिव बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो द वॉल व्हिच डज नॉट अलाउ एनी हीट ट्रांसफर अक्रॉस इट, ठीक है, जहाँ पे हीट चेंज आपको मिलेगा जीरो, ठीक है। तो किससे बनेगी, मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ऐसे बोल सकते हैं, मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। जैसे बेसिक एग्जांपल इज थर्मस फ्लास्क, ठीक है, थर्मस फ्लास्क इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको अपन लोग यूज करते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी जैसे आपने बहुत बार ऐड देखा होगा कि अंदर टी या कॉफी को फिल कर देते हैं, तो वो लगभग कुछ घंटे तक, मतलब 5 घंटे 10 घंटे तक वो अच्छी बनी रहती है, ठीक है, उसी हीटिंग में रहती है। तो सिंपल सा पार्ट है कि वहां पे जैसे मान लो ये आपका थर्मल फ्लास्क था, ठीक है, कि उसके बीच में यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत बार हम एयर भी बोल देते हैं कि भाई एयर क्या होता है, कि एयर तो आपकी इंसुलेटर से है ना, हीट और एनर्जी की, इसको आपको क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज, अगर हीट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी रखा गया है, तो उसकी एनर्जी इस लेयर के थ्रू बाहर नहीं आएगी, वो बाहर की एनर्जी इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगी, बिकॉज बीच में अपन ने क्या फिल कर दिया, नॉन कंडक्टिव मटेरियल, ठीक है, नॉन कंडक्टिव मटेरियल, इसकी वजह से यहाँ पे जो हीट का एक्सचेंज है, ठीक है, जो हीट का एक्सचेंज होगा वो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। दिस इज, तो ये बेसिक सा पार्ट है, दिस इज ए बेसिक पार्ट ऑफ एडियाबेटिक, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन कंडक्टिंग सरफेस या बाउंड्री बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग अपन बोल सकते हैं डायाथर्मिक, ठीक है, कंडक्टिंग अपन बोलते हैं डायाथर्मिक, दिस इज द कंडक्टिंग। अब कंडक्टिंग में ना समझ में कंडक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी एनर्जी और हीट के साथ, तो ये अलाउ करेगा, तो लिख लेते हैं अपन, व्हिच अलाउज द हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर को अलाउड करते हैं, ठीक है, ऐसी बाउंड्री को अपन बोलते हैं डायाथर्मिक, या बोलते हैं कंडक्टिव, या कंडक्टिंग लेयर बोल सकते हैं, कंडक्टिंग बाउंड्री बोल सकते हैं। ये किससे बना, मिलके बना होगा, तो ये आपका बना होगा कंडक्टिव मटेरियल से, ठीक है, मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक, तो कंडक्टिंग मटेरियल से आपका ये मिलके बना होगा, जिसमें आयरन होगा, कॉपर वगैरह हो सकता है। तो बेसिक मैं बोलूंगा कि बेटा जितने भी आपके कॉपर वेसल्स होते हैं घरों के अंदर कुकिंग के लिए जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, यूटेंसिल्स यूज करते हैं, 100% आपके सिल्वर के होते हैं, कॉपर से और अदर ऑब्जेक्ट के देखने के मिल सकते हैं, तो जो जितने भी आपके मेटलिक बॉडीज हैं, वो सारी के सारी क्या करते हैं, इजिली कंडक्टिविटी को शो करती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन डायाथर्मिक, ठीक है। तो ये दोनों आपको बातें बिल्कुल सही ढंग से ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, सिस्टम को हम लोग देख चुके हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम अगर बात की जाए, तो जिसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड था, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, तो उसको मैं तीन तरीके से कैटेगराइज करूंगा। तो पहले मैं बात करूंगा यहाँ से मास एक्सचेंज, ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे इनर्जी एक्सचेंज, ठीक, इसके साथ मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिया है कि सिस्टम बेसिकली फर्स्ट इज ओपन टाइप सिस्टम एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड टाइप सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम।
ठीक है, आप समझते हैं कि अगर ओपन सिस्टम होगा या क्लोज सिस्टम होगा या आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो इनको हम सही ढंग से समझ पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास एक्सचेंज या ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। अगर ओपन सिस्टम होगा तो यहाँ पे जो मास एक्सचेंज है बिल्कुल आपका प्रेजेंट होगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको एग्जांपल से। एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं तो ओपन है तो एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा और मास दोनों का एक्सचेंज आपका होगा। बट अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे क्लोज सिस्टम को लेके, तो क्लोज सिस्टम के अंदर मास का एक्सचेंज नहीं होगा जो क्रॉस किया है मैंने, और एनर्जी का एक्सचेंज आपका बिल्कुल होगा। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम की बात करी जाए तो यहाँ पे ना तो आपके मास का एक्सचेंज होगा और ना ही आपके एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इसी को मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मैंने बोली कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी का मतलब बेसिक क्या होगा, ध्यान दो, मैंने बोला आपसे कप ऑफ टी, तो भाई आपका कप ऑफ टी जो है वो तो ओपन ही होता है। अगर ओपन होगा तो वहां पे मास का भी एक्सचेंज होता है, एनर्जी तो, एनर्जी तो वहां से निकलती रहती है लगातार, आपने देखा अगर ओपन कप है ना जाएगा तो वहां से मास भी रिलीज होता है, एज भाई वेपर्स निकलती है ना वहां से, तो वेपर का आपकी एनर्जी जो हीट एनर्जी वो भी आपकी रिलीज होती है। और आपको पता है कि जो कप है उसकी टेम्परेचर काफी ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर एनर्जी का मूवमेंट होगा हीट एनर्जी का, तो इसलिए मास भी यहाँ पे आपका एक्सचेंज होता है, मास भी आपका यहाँ पे एक्सचेंज होगा एज वेल एज आपकी जो एनर्जी है वो भी आपकी एक्सचेंज होती है। ठीक है, जो कप ऑफ टी है ओपन, जैसे ह्यूमन बॉडी मैंने बोला ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड अपन बोले जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, तो ह्यूमन बॉडी भी आ तो आपकी ओपन है, तो ह्यूमन बॉडी से जो हीट है जो एनर्जी है वो रिलीज भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ गर्मियों के टाइम तो क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, दूसरा अगर सर्दियों की बात विंटर सीजन की बात की जाए तो बाहर का टेम्परेचर कम होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी का ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग काफी सारे ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, क्यों पहनते हैं, बिकॉज वो जो हीट है ना हमारी ह्यूमन बॉडी की वो बाहर ना जा पाए, रिलीज ना हो पाए, रिलीज हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि वहां से हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे बाहर का जो एटमोसफियर है जो सराउंडिंग से सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी का एक्सचेंज ना हो। ठीक है, ओपन सिस्टम अगर ह्यूमन बॉडी होगी तो 100% यहाँ पे क्या होगा, मास एनर्जी दोनों का आपका ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम आपने देखा होगा बहुत अच्छा एग्जांपल मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो मोबाइल फोन्स को अगर आप देखते हो तो मोबाइल फोन्स के अंदर जो बैटरी है, ठीक है, उस बैटरी को अगर आपने चार्ज किया तो चार्ज करने के बाद कहीं ऐसा होता है कि वहां से हीट बाहर रिलीज हो रही है, नहीं ना, तो वो तो उसके पास ही रहते हैं, बैटरी में ही रहती है, और वो बैटरी का आपका यूज फिर जो मोबाइल फोन्स के डिफरेंट पार्ट हैं डिफरेंट एप्लीकेशन है उसे यूज करते हैं बैटरीज को। ठीक है, उसके कंटिन्यूएशन में। तो पॉइंट वही है कि मोबाइल फोन जो है वो आपका क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, बिकॉज क्लोज सिस्टम क्यों है, बिकॉज वहां से मास का एक्सचेंज होता है क्या, मुझे बताओ, नहीं, मास एक्सचेंज नहीं होता है। क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज होता है क्या, तो एनर्जी का एक्सचेंज कुछ पार्ट में होता है कुछ नहीं होता है। जैसे आपने बहुत बार देखोगे मोबाइल फोन हीट करते हैं अपन लंबे समय तक यूज करते हैं, तो हीट क्या है, तो हीट एनर्जी आपके यूज हुई ना वहाँ पे, तो वहां से टेम्परेचर बाहर के आपके जो एटमोसफेयर उसमें यूज आपका सप्लाई हो जाता है। तो जैसे मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ऑल अदर क्लोज सिस्टम, तो उन क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज आपका होगा बट मास का एक्सचेंज नहीं होगा। नाउ कम्स आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब, जैसे मैं एग्जांपल एक दूं आपको बहुत ही सही ढंग से, कि आइसोलेटेड सिस्टम का वो हम समझ सकते हैं जैसे यूनिवर्स हो गया, या फिर थर्मल फ्लास्क का मैंने एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, थर्मल फ्लास्क ले सकते हैं या फिर अपन यूनिवर्स ले सकते हैं। तो यूनिवर्स में तो एनर्जी सारी प्रेजेंट है, तो उसका तो एक्सचेंज बाहर कहीं हो ही नहीं सकता, कोई अदर यूनिवर्स तो है नहीं। मैंने यूनिवर्स बोलने का मतलब कंप्लीट, तो यूनिवर्स इज एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड, एंड थर्मल फ्लास्क भी आपका होता है आइसोलेटेड, बिकॉज थर्मल फ्लास्क मैंने जस्ट अभी बताया था। ठीक है, तो वहां पे बिल्कुल भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर एक्सचेंज नहीं होगा, एज वेल एज मास का भी एक्सचेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो फटाफट से अपन इसे डिफाइन कर लेते हैं, ओपन सिस्टम क्या है, द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर कैन टेक प्लेस। तो मैटर मतलब मास, ठीक है, और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज आपका होगा बिल्कुल। तो फर्स्ट बात करते हैं, जैसे आपका टी इन ए कप, ह्यूमन बॉडी एक्शन इज ए ओपन कंटेनर, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, एनर्जी का एक्सचेंज जो टेक प्लेस होगा बस जो मास है उसका आपका यहाँ पे सिस्टम का सराउंडिंग के साथ है, सराउंडिंग का सिस्टम के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं बोलता कि हॉट वाटर इन ए क्लोज्ड वेसल, क्लोज वेसल में गर्म पानी ले लो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मास तो बाहर नहीं जाएगा बट जो एनर्जी है वो आपके बाहर जाती रहेगी। ठीक है, या फिर रिएक्शन इन ए क्लोज कंटेनर। नाउ कम्स आइसोलेटेड। व्हाट इज आइसोलेटेड, जो अकेला हो, ना तो वो एनर्जी को ट्रांसफर करता हो ना वो मास को एक्सचेंज करता हो, उसको अपन बोलते हैं आइसोलेटेड। जैसे टी इन ए थर्मल फ्लास्क और बाकी आपका यूनिवर्सल, यूनिवर्स इज एग्जांपल। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट इसके बाद ये सिस्टम फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये क्या होती है इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं। यस, तो इसके बाद हम बोर्न स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे मैं रिलेट करने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। थर्मोडायनेमिक्स प्लस आपका बेसिक पार्ट इज द इक्विलिब्रियम। हाउ वी कैन रिलेट, तो इसको रिलेट करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, ध्यान देते हैं। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम। ठीक है, तो मैंने यहां से रिलेट किया आपको कि कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, जो हीट या फिर एनर्जी या फिर मास दोनों को एक्सचेंज नहीं करता है विद द सराउंडिंग्स, ठीक, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, जो मास का भी ट्रांसफर ना करे और एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं करता है। ठीक, तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक आइसोलेट सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में वो आपका तब डिफाइन किया जाएगा जब वहां पे व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिमेंस कांस्टेंट विद टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को अपन कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देते हैं यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर एंड अ कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ यहाँ पर थर्मो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बेसिकली आर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, इसको अपन थ्री कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरीज की बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो गैसेस, गैस मैंने फिल की, क्लोज सिस्टम है, तो गैसेस क्या करेगी, उसके सरफेस पे एक फोर्स, एक फोर्स पॉइंट एरिया मतलब प्रेशर जनरेट करेगी। ठीक है, अब जो प्रेशर जनरेट करेगी वो बाहर से भी उतना ही फोर्स, अगर आपका प्रेशर लग रहा है तो रिजल्टेंट आपका जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब अपोजिंग जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही अपोजिट फोर्स भी लग रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो एग्जैक्टली मीन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जहां पे आपका जो रिजल्टेंट आपका जो फोर्स आता है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको जीरो देखने को मिलेगी। ठीक है, समेशन ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकेंड अपन बात करते हैं, सेकेंड पार्ट आपका इक्विलिब्रियम का डिफाइन करते हैं, दैट इज द मटेरियल। सेकेंड इज मटेरियल या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मटेरियल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो मटेरियल और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड है बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे अपन मटेरियल या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन अपन ले कि भाई ए से बी का फॉर्मेशन, इट इज इन इक्विलिब्रियम। इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम 100% रेट आपका यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा वो आपका कॉन्स्टेंट होगा। तो इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं इट इज ए मटेरियल और इट इज ए केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड हम डिफाइन करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब क्या होगा कि यहाँ पे नाम से थर्मल वर्ड, ठीक है, इट इज टेम्परेचर टोटली। ठीक है, तो नो टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर, नो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर का कोई भी आपका यहाँ से जो रिलीज करना या जो एब्जॉर्ब करना वो बराबर रेट से होगा। जैसे कोई भी सिस्टम जितना हीट को रिलीज करेगा उतना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा इक्विलिब्रियम में आपको देखने को मिलेगा। अब इन तीनों टर्म्स को मैं डिफाइन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम के बेस पे अपन यहाँ पे करने वाले हैं इसको डिस्कस। तो अब इस पॉइंट को समझते हैं, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, कोई भी सिस्टम है उसकी स्टेट क्या होती है, तो उसको मैं कैसे समझता हूँ, ध्यान दो। जैसे मान के चलो कोई एक कार है, मूविंग कार है, ठीक है, कार आपकी चल रही है, तो एग्जैक्टली कार कौन से कलर की है, ठीक है, पहली चीज आप यही ऑब्जर्व करोगे, उसका कलर कौन सा है कार का।
दूसरा ऑब्जर्व करोगे कि उसके जो टायर्स हैं ठीक है वो किस तरीके के हैं, कैसा है ठीक है। जिससे सुपर सुपर मूवीज आप सुपर हीरोज देखते हो उनकी जो कार हैं उनकी जो बाइक्स कुछ अलग ही होती हैं ठीक है, सुपर बाइक्स जो होती हैं सुपर कार्स होते हैं, या फिर आप बोलोगे कि वहाँ पे उनका जो इंजन है ठीक है वो किस कैसा है, किस कैटेगरी का है, कैसा साउंड कर रहे हैं, एज वेल एज वहाँ पे आपके जो एक्सटर्नल उसकी जो डिजाइन है ठीक है, या फिर जो उसका इंटरनल डिजाइन है वो आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, और किस अब इसके साथ साथ आप ये भी देखोगे वो किस पोजीशन पे है ना, किस पोजीशन पे है, कहाँ पे रखी हुई है, किस तरीके से कहाँ पे चल रही है। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जिसको मुझे स्टडी करनी थी जो अंडर ऑब्जर्वेशन था उसके मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ऑब्जर्व किए, और डेफिनेटली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने जो ऑब्जर्व किए हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज उस कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी यही पॉइंट है कि हम किसी भी सिस्टम को स्टडी करें, आपकी उसकी स्टेट इनिशियल स्टेट हो या कोई फाइनल स्टेट हो, तो वो सारी के सारी स्टेट आपकी डिफाइन की जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, प्रेशर, टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम। तो ये तीन पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट के बीच पे हम किसी भी सिस्टम की थर्मोडायनेमिकली स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं ठीक है। तो चलते हैं उस पॉइंट को समझने के लिए। यस, तो यहां से हम लोग हेडिंग लेते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है वो आपकी कैसे डिफाइन होगी और क्या होगी ठीक है। लेते हैं इसको समझते हैं कि इट इज द कंडीशन इन विच द सिस्टम इज प्रेजेंट एंड इट कैन बी डिफाइंड बाय specifying some observable properties of the system। ध्यान देते हैं इसको। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या एक्चुअली मीन क्या है ठीक है। इट इज अ कंडीशन ठीक है इन विच द सिस्टम इज प्रेजेंट। कौन सा कंडीशन है, किस कंडीशन में, उसका प्रेशर क्या है, किसी सिस्टम का उसका टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, तो किस जो सिस्टम है वो किस कंडीशन में आपका प्रेजेंट। पहली चीज स्टेट को डिफाइन कर रहा हूँ। एंड इट कैन बी डिफाइंड बाई स्पेसिफाइंग सम ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टीज। जो ऑब्जर्व करने वाली जो प्रॉपर्टीज, मैंने बोला कार की प्रॉपर्टीज अपन ने ऑब्जर्व की दूसरे तरीके से, तो जो भी हम प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बेस पे हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान से। तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा, हमें तीन चार चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे मैंने बोला कि कोई एक सिस्टम है वो सिस्टम स्टेट ए में प्रेजेंट है, और वही सिस्टम फिर आफ्टर फ्यू टाइम्स वो आपका स्टेट बी में प्रेजेंट है, टू डिफरेंट टाइम पे। मैंने बोला कि चलो यहाँ पे स्टेट ए में प्रेजेंट है तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेबल कौन कौन सी होंगी, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इसका आपका जो प्रेशर है, आपका जो वॉल्यूम है, जो आपका टेम्परेचर है, या फिर आपके जो नंबर ऑफ मोल्स है, ध्यान दो नंबर ऑफ मोल्स ठीक है, ये स्टेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर फ्यू टाइम स्टेट ए कन्वर्ट होगी स्टेट बी के अंदर, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है तो आपका यहाँ पे प्रेशर कुछ डिफरेंट होगा ठीक है। नाउ कॉन्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो आपका वही रहेगा बी वन, वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा ही नहीं। नेक्स्ट में बात करूँ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं बदलने वाले, वो भी एड कुछ नहीं आपके चेंज होंगे। एज वेल एज आपका जो टेम्परेचर होगा क्या वो चेंज होगा, हाँ वो चेंज होगा, वो बात सही है ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर स्टेट ए को स्टेट बी में कन्वर्ट होना है, स्टेट बी को स्टेट ए में कन्वर्ट होना है, तो उस केस में आपका जो प्रेशर है और जो आपका यहाँ पे टेम्परेचर है, प्रेशर और टेम्परेचर ठीक है, वो आपका देखो यहाँ पे प्रेशर पी वन से पी टू हुआ, टेम्परेचर टी वन से टी टू हुआ, बाकी नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम इनमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि आप वैसे तो स्टेट ए को स्टेट बी में अगर जाना है तो हम चार प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करेंगे, प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, नंबर ऑफ मोल्स को, लेकिन जो चेंज होगा वो आपका प्रेशर और जो आपका टेम्परेचर है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ठीक है, टेम्परेचर के मूवमेंट के बारे में ठीक है। तो अब बात करते हैं
ये जो पूरा सिस्टम है ना, इस सिस्टम को आप ऐसे समझ लो और आसान तरीके से बोलता हूँ कि मान लो स्टेट ए आपका जो था वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का मान लो टेम्परेचर था आपका 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मॉलिक्यूल्स ये स्टेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही मैंने इसको हीट किया तो स्टेट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए वही सेम वाटर मॉलिक्यूल्स है, मैंने बोला कि यहाँ पे मैं टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर बदल गया ना, तो बोलो T1 से T2 हो जाएगा, एज वेल एज वेपर प्रेशर्स होंगे तो प्रेशर्स भी आपके बदलने वाले हैं, बट वॉल्यूम पानी का तो चेंज होने वाला नहीं है ना, ये क्लोज सिस्टम है तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स भी आपका चेंज होने वाला नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम है, आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके बाद कि इसकी कौन कौन सी आपकी कैटेगरीज है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन के अंदर, स्टेट आपका तो हेडिंग डालते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, फंक्शन का मतलब जो मैथमेटिक्स वाला फंक्शन वही फंक्शन है ये, भाई किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करना है तो कुछ प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करो, उन प्रॉपर्टी के साथ रिप्रेजेंट करना है तो वी विल यूज फंक्शन, ठीक है। इसको अपन करते हैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट, ठीक है, तो देखते हैं इसको। सर्टेन मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब a describable the state of thermodynamic system called state variables। state variable कौन कौन से हैं, तो pressure, temperature and volume, last one is the number of moles, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में आपको सिर्फ दे रखा है तो प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बहुत जगह नहीं दिया है, लेकिन आप नंबर ऑफ मोल्स को भी साथ में लेके चल सकते हो, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो ए पर्टिकुलर पैरामीटर, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि स्टेट वेरिएबल में और क्या हो सकते हैं, ये तो कॉमन हो गए हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इंथैल्पी भी आपकी हो सकती है, इंट्रोपी हो सकती है, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सारे के सारे क्या हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सारे पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी चैप्टर में आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, समझते हैं स्टेट फंक्शन डिपेंड्स only on current state of system and does not depend upon previous state or path followed to attain the current state। अब ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टेट फंक्शन है ना, वो किस तरीके से किस पे डिपेंड करे क्या होगा, तो स्टेट फंक्शंस डिपेंड्स ओनली ऑन द करेंट स्टेट ऑफ सिस्टम, तो किस स्टेट में प्रेजेंट हो कोई भी सिस्टम तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, एंड किस पे डिपेंड नहीं करेगा तो डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रीवियस स्टेट, जो पहले की स्टेट क्या थी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक, एंड द पाथ फॉलोड टू अटेंड द करेंट स्टेट, ठीक है, और जो करेंट स्टेट तक आने के लिए उसने कौन से पाथ को फॉलो किया है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड ये नहीं करेगा, ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच डिपेंड्स ऑन स्टेट, स्टेट का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट, ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे आपका डिपेंड करेगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, तो स्टेट फंक्शन क्लियर हो गया, स्टेट फंक्शन को ऐसे बोलो उसके भाई प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, ठीक है, तो सिस्टम ने किस पाथ को फॉलो करके वो प्रीवियस स्टेट से न्यू स्टेट में आया है, ओल्ड स्टेट में आप आ चुका है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ प्रीवियस स्टेट से करंट स्टेट में आने के लिए, जैसे स्टेट ये थी 20 डिग्री सेल्सियस से पानी की और यहाँ से 50 पे ही आया, तो आने के लिए यहाँ पे जो भी कंडीशंस थी, यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स पे आपका ये जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, ठीक है,
लेकिन ये किस पाथ को फॉलो किया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसको अपन बोलते हैं स्टेट फंक्शन। अब वो स्टेट फंक्शन कौन कौन सा होता है, वैसे तो जनरली मैं बोलूं कि स्टेट फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, स्टेट फंक्शन को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मतलब एक इजी ट्रिक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली से आता है अगर ऑप्शंस, ये गिवन ऑप्शंस में से कौन सा आपका ऑप्शन ऐसा है जो स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे जो कैपिटल लेटर में दे रखा हो वही स्टेट फंक्शन आपको बोले जाएंगे। जैसे वहाँ पे आपका प्रेशर, नेक्स्ट इज टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनथैल्पी, गिव फ्री एनर्जी, इंट्रोपी हो गया, इनथैल्पी हो गया, ठीक है, ये हमेशा आपको कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाते हैं, तो ये सारे के सारे आपके स्टेट फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेट फंक्शन ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और पाथ फंक्शन अभी पढ़ेंगे वो आपका स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। अब इसको मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन बिटवीन टू स्टेट, बिटवीन टू स्टेट डज नॉट डिपेंड, डज नॉट, जो भी एक्सप्लेन किया था, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड बाई द सिस्टम, ठीक है। और इसका जो स्टेटिक फंक्शन है उसको आप करते हैं रिप्रेजेंट, दिस इज द स्टेटिक फंक्शन, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी इसका यूज करते हैं, स्टेटिक फंक्शन है, तो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसका यूज करेंगे और देखते हैं इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा एडवांस सेक्शन में क्या होगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं इस तरीके से, नाउ लाइक दिस इज इट स्टेटिक फंक्शन, जो चेंज हो गया स्टेट फंक्शन का, और ये फर्स्ट स्टेट थी या आपकी करंट स्टेट है ना, प्रीवियस स्टेट फर्स्ट और सेकेंड स्टेट करंट स्टेट है। यहाँ से मैंने इसमें डिफ्रेंशिएशन यूज करूँ, इंटीग्रेशन वर्ड, तो मैं करता हूँ यहाँ से क्या मिलेगा, ये जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से आपका ये स्टेट फंक्शन फर्स्ट माइनस आपका स्टेटिक फंक्शन आपका सेकेंड, इसको अपन सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सेकेंड है, यहाँ से आपका ये फर्स्ट, तो चेंज है, सिर्फ चेंज को मैंने लिखा है भाई, ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन इसका अपोजिट, तो डी तो फिनिश हो जाएगा, बाकी वैल्यू स्पोर्ट करेंगे तो आपकी जो जो हायर लिमिट है और लोअर लिमिट है उसकी वैल्यू स्पोर्ट करेंगे, तो आपका यहाँ से स्टेटिक फंक्शन सेकेंड माइनस स्टेटिक फंक्शन फर्स्ट आपका रिप्रेजेंट होगा। जैसे इसी पॉइंट को ये तो मैंने मैथमेटिकली ऊपर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, साइंटिफिकली, लेकिन जिसका अगर मैं सही से कहूँ तो डेल्टी क्या होगा, तो डेल्टी बोल सकता हूँ टी टू माइनस टी वन, ठीक है, इस तरीके से। ये आपकी टी टू क्या है, ये आपका है करंट जो स्टेट आ रहा है, और टी वन क्या है, जो आपका प्रीवियस स्टेट है। जैसे मैं टेम्परेचर का प्रेशर को रिलेट करूँ तो वो होगा आपका पी टू माइनस पी वन, एक आपकी ये भी स्टेट डिफाइन हो सकते हैं। मैं एंट्रोपी की बात करूँ, चेंज एंट्रोपी क्या होगा, तो एस टू माइनस एस वन, ठीक है। इस तरीके से अपन लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं विद दिस स्टेटिक फंक्शन वैल्यू, स्टेटिक फंक्शन से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया और इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन स्टेटिक फंक्शन बिटवीन टू स्टेट इज अ डेफिनेट क्वांटिटी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फॉर द आईआईटी एग्जाम, ठीक है, फॉर जेईई एडवांस, जो स्टेट फंक्शन में चेंज आपको दिख रहा है, डेल टी है, डेल पी है, डेल एस है, जो स्टेट फंक्शन में चेंज होता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि चेंज इन स्टेट फंक्शन बिटवीन टू स्टेट, एक फर्स्ट स्टेप होगी, एक सेकेंड स्टेप होगी, तो फर्स्ट स्टेप आपकी ये हो गई, आपकी प्रीवियस और आपकी करंट ये हो गई, तो इनमें जो चेंज आ रहा है वही डेल्टी है, वी टू माइनस पी वन, तो ये आपकी जो डेल्टी है, डेल पी है, ये सब क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यूज होती है, ठीक है, दीज आर दी फिक्स्ड वैल्यूज, नॉट वेरिएबल, ठीक है, जिसको अपन डेफिनेट क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेफिनेट क्वांटिटी। नेक्स्ट में बोलूँ तो चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, तो स्टेट जो फंक्शन है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, जिसको मैं कैसे बोलता हूँ भाई, डेल्टी, डेल्टी की बात करते हैं, जो आपका ये फर्स्ट दे रखा है, ये क्या है, ये आपका स्टेटिक फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट स्टेटिक फंक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, साइक्लिक फंक्शन की बात करते हैं तो वहां पे आपको मिलता है जीरो, ये कैसे, मैं जो करता हूँ रिप्रेजेंट, ठीक है, इस तरीके से साइक्लिक फंक्शन को ले लेते हैं, इक्वल टू, मैथमेटिक्स में आपका वन से टू, देन आपका स्टेटिक फंक्शन प्लस कर लेते हैं अपन टू से वन, और आपका ये स्टेट फंक्शन, इसका बेसिक मतलब कुछ यूं है कि यहाँ पे अपन ने वॉल्यूम ले लिया, यहाँ पे मैंने सपोज प्रेशर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ जाऊँ, देन इधर से इधर आऊँ, तो पता है ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, वन से टू पे या टू से वन पे आया, जिससे साइक्लिक प्रोसेस, वही लिखा मैंने, पहले मैं वन से टू पे गया, देन मैं टू से वन पे आया, ठीक है, वही दोनों को अपन ने ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, अपन ने अभी स्टडी किया था फर्स्ट वाले का,
तो इसको अपन लिख सकते हैं चेंज इन, दिस इज चेंज इन स्टेट फंक्शन। इसका मतलब क्या है, चेंज इन स्टेट फंक्शन इन साइक्लिक प्रोसेस, चेंज इन स्टेट फंक्शन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, ये इसका मीन है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साई टू माइनस साई वन फॉर द फर्स्ट, देन आपका यहाँ से हो जाएगा प्लस साई वन, वन से हम फिर टू पे आ, टू से वन पे आ रहे हैं, तो वन इज द न्यू, तो आपका साई वन माइनस साई टू, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें से साई टू से साई टू कैंसिल, साई वन ये कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिल जाता है जीरो। इसलिए मैंने बोला था कि चेंज इन स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस इट इज ऑलवेज जीरो। आप लोग यहाँ से इसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैं वन से टू पे गया, देन टू से वन पे आया, तो इसको लिखने का तरीका मैथमेटिकली कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा जीरो। ये बात क्लियर हो गई। इसलिए आपका जो रिजल्ट आता है कि भाई डेल टी की बात करी जाए, ठीक है, डेल टी साइक्लिक प्रोसेस में डेल टी की बात करिए इट इज जीरो, डेल एस की बात करी जाए चेंज इन एंट्रोपी तो ये भी जीरो होगा, ये एंट्रोपी है, ठीक है, ये टेम्परेचर है। नेक्स्ट में डेल प्रेशर की बात करूँ चेंज तो वो भी जीरो आएगा। नेक्स्ट में स्टेटिक फंक्शन को लेकर बात करूँ तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। ये सब जीरो होगा इन ए साइक्लिक प्रोसेस, इन ए साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस सेक्शन पर लेके चलता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। जैसे आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई साइज इक्वल टू, मैंने बोला एक फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे एक्स वाई क्या है, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, मैंने बोला है कि एक्स वाई यहाँ पे क्या है, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद मैंने बोला है साई क्या है, इट इज ए स्टेटिक फंक्शन, दिस इज द स्टेट फंक्शन, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्स की वैल्यूज के ऊपर एंड वाई की वैल्यूज के ऊपर। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, एक्स वाई की वैल्यूज बदलेगी तो आपकी ये जो साई एस की वैल्यू आपकी बदल जाएगी। जरिए जैसे अपन लिखते हैं ना कि वाई इज इक्वल टू फोर एक्स लिखा मैंने सपोज, तो एक्स की बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको देखने को मिलेंगी, तो वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वही मैंने बोला है एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स क्या है, ये वेरिएबल, ये बदलता रहेगा तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक बदलती रहेगी, ठीक है। हमें बोलूंगा चेंज इन एक्स, अगर अगर एक्स में स्मॉल चेंज हुआ तो एक्स में स्मॉल चेंज को अपन डी एक्स बोल सकते हैं, वाई में स्मॉल चेंज को अपन डी वाई बोल सकते हैं, स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूँ। तो अभी इसी फंक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कि अगर ये डी फाई लिखा जाए तो देखो फर्स्ट को कॉन्स्टेंट, एक को कॉन्स्टेंट रखो और एक को आप डिफ्रेंशिएशन लो, तो यहाँ से होगा डी फाई डिवाइड बाई डी वाई नॉट डी वाई, यहाँ से आपका एक्स को लेके गया ना तो डी एक्स आ जाएगा नीचे, यहाँ से बाई, देन आपका डी एक्स, देन प्लस ये डिफरेंशिएशन टर्म है, मल्टीप्लिकेशन आपने शायद पढ़ा होगा उसी को लेके बात करने की, एक को हम स्टॉप करते हैं दूसरी की वैल्यूज हम लोग डिफरेंशिएशन में लेते हैं, तो डी फाई डिवाइड बाई डी बाई देन एक्स, और यहाँ पे आपको मिलेगा नाउ दिस इज दी डी बाई, ठीक है, पहले बाई को लेके किया फिर एक्स को लेके किया है, मैंने एक्स को स्टॉप किया बाई को स्टॉप किया, तो इस तरीके से वैल्यूज आपकी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। ये मैं एडवांस सेक्शन को लेकर बात कर रहा हूँ, नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा इसके ऊपर, ठीक है, बट एडवांस में क्वेश्चन आपका बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको आपको ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन वाला वो किस तरीके से लिखा जाएगा, बहुत बार इसकी वैल्यूज दी जाती है और हमें सॉल्व करना होता है, ठीक। अब इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ रिप्रेजेंट, लाइक जेड इज इक्वल टू एफ एक्स, मैंने बोला, थोड़ा समझा देता हूँ, तो मैंने बोला कि भाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो डी जेड बाई डी एक्स लिख लिया, ये हो गया आपका एफ डेक्स एक्स, ठीक है। बट इफ जेड इज इक्वल टू है एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इस तरीके से, तो डी जेड बोलो, देखो अगर मैं आपको क्या बोलता, अगर सिंपल से एक फंक्शन दे रखा है इस तरीके से तो हम भाई ये डिफरेंशिएशन फॉलो करते हैं, अगर कोई फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा हो टू वेरिएबल्स के साथ तो आपको पता है वही लिखने का तरीका है कि डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ से बाई, देन आपका डी एक्स प्लस डी जेड डिवाइड बाई डी बाई देन एक्स, और यहाँ पे आपका डी बाई। जब दो वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स आपको मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा सेक्शन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो डे दे रखा है ना इसको अपन डेल डेल रीड करते हैं, ठीक है, जनरली डेल रीड करते हैं, बाकी ऐसा कुछ इसमें आपका डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जैसे मैंने अभी फंक्शन डिफाइन किया था कि भाई डी फाई डिवाइड बाई डी एक्स लिखेंगे अपन, तो ये क्या था, ये स्टेटिक फंक्शन के साथ डी एक्स लिखा था, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, एक्स रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, या बाई के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं तो डेल स्टेटिक फंक्शन डिवाइड बाई डी बाई ले सकते हैं, तो वो भी करेक्ट होगा। अब इसी को अपन पी बी इज इक्वल टू एन आर टी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आइडियल गैस होती है, ठीक है,
जैसे अपन बात करते हैं आइडियल गैस को लेके, तो आइडियल गैस में क्या अपन देखते हैं भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज अ बेसिक क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होता है, ठीक है। और ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस जहाँ पे स्मॉल एन आपका कॉन्स्टेंट रहता है, स्मॉल एन क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे गैस की क्वेश्चन लिख लिया, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस जहाँ पे स्मॉल एन रहेगा कॉन्स्टेंट, तो मैं लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू एफ टी और बी, जो टेम्परेचर है और जो आपका वॉल्यूम है या आपका वेरिएबल है। या फिर एक तरीका ये लिखने का हो गया, दूसरा तरीका क्या लिखने का हो सकता है, इसमें से मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, तो T इज इक्वल टू लिख सकता हूँ आपका F, जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम आपका वेरिएबल हो जाए यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू F, यहाँ से T कॉमा P, इस तरीके से लिख, तो तीन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है इसको लिखने के, इसी आपकी पर्टिकुलर आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को, जहाँ पे स्मॉल एन क्या है आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, जैसे स्मॉल एन क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, आर तो वैसे भी आपका गैस कॉन्स्टेंट होता है, तो पी बी टी बचा, तो पीबीटी में दो को अपने वेरिएबल किया, एक को मैंने फिक्स लिया। अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा बोलो, एक को लिखता हूं बाकी आप लोग लिख पाओगे। तो मैंने बोला है डी पी इज इक्वल टू, तो डेल पी डिवाइड बाई डी टी, सॉरी दिस इज टी टेम्परेचर, देन आपका वी, यहां से होगा डेल डी टी प्लस, ये लिखा जाएगा आपका टू वेरिएबल है तो इसी तरीके से लिखना अपन ने अभी सीखा था, यहां से आपका टी देन आपका वी, तो ये आपका यहां से, तो dp by dt क्या है, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे चेंज इन रेट जो आपका प्रेशर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये वैल्यूज अपन यहाँ फॉलो करेंगे, आंसर आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे पाथ फंक्शन को लेके, ये थे नोट, पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन तो खत्म हो गया ना, नेक्स्ट पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन में क्या है, पाथ फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ पाथ is properties of path is depends on path followed, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आपका हीट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट वन इज बर्क हो गया, नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे करते हैं रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन को लेके, क्लियर, ओके। यस, और ये जो पाथ फंक्शंस हैं, ये पाथ फंक्शन जो है बेटा, है ना, ये एक्चुअली हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज वर्ड बेटर यूज नहीं करते हैं बहुत बार, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। क्वांटिटीज ऑफ द पाथ इज डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय, ठीक है। तो जिसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ पाथ फंक्शन को, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच डिपेंड्स ऑन पाथ थ्रू व्हिच सिस्टम इज अचीव्ड, ठीक है, किस पाथ को उसने फॉलो किया। जिसमें आपके मैं एक इजी ट्रिक बताऊं, तो पाथ फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करना है, ठीक। इसमें आपको पता है हीट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क आपका स्मॉल डब्ल्यू हो गया, तो जो भी स्मॉल हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के, तो सारे के सारे पाथ फंक्शन कैपिटल लेटर्स वाले क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। बाकी इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट आपका बी, तो ए से बी पे आने की अगर बात करी जाए तो देखो एक रास्ता ये हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आपका एक ये भी हो सकता है, एक आपका ए बी से बहुत सारे रास्ते आपको इन्फिनिटी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, बट ये जो पॉइंट है दिस इज पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इसमें कहीं कोई टर्न आ रहा है, अगर पहचाना जाए कि पाथ फंक्शन कौन सा है और आपका यहाँ पे जो आपका स्टेट फंक्शन है कौन सा है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जहाँ पे बीच में कोई टर्न नहीं आएगा उसको अपन बोलेंगे क्या, स्टेट फंक्शन, दिस इज दी स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन पाथ पे डिफेंड नहीं करता है, बाकी देखो ये यहाँ चलना स्टार्ट करेगा, इस पे टर्न लेगा, यहाँ टर्न लेगा, यहाँ पे टर्न लेगा, ये यहाँ से मूव करेगा, तो डिफरेंट टर्न आपको देखने को मिलेंगे, तो मतलब ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि पाथ जो रास्ता है वो कौन कौन से पॉइंट होगी गुजर रहा है, इस पर पाथ पे डिपेंड कर, अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो अगर मैं इसको स्टेट फंक्शन पर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो ये सारे के सारे टर्म क्या है, ये आपके डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, और पाथ फंक्शन में पाथ पे डिपेंड करता है किस पाथ को उसने फॉलो किया है, ठीक है। चलो तो आज के सेशन हम लोग यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग बात करेंगे तो बच्चों बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।